ये शायद किसी को गुमान हो कि 8 तारीख के बाद बदला बदला मौसम होगा, वही आपले वही चलन, दर्द दिल में कोई कमी नहीं, वही कुछ होगा, वही डाकू चोर लुटेरे बदमाश गुंडे, वही हड्डियां नोचने वाले जो है वो जिस्म को नोचने वाले खजानों को दबोचने वाले, वही शर्मनाक माहौल होगा, कोई तब्दीली आने वाले नहीं। खाम खा आप मुशक्कत में ना पड़े, ऐसे ना उम्मीद लगा के बैठने, कुछ होने, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हम बदलने वाले भी, जब हम बदलने वाले भी नहीं तो ऊपर से बदलने वाले भी। आमाल हुकुम उम्माल हुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान है, हम बदलेंगे तो अल्लाह रहमत की छतरियां। इसलिए ये सजा है हमारी, ये बात जहन में रखिए, हमारे गुनाहों की सजा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वो इस बात पे कादर है कि तुम्हारे ऊपर से भी अजाब नाजिल करे, तुम्हारे नीचे से भी अजाब। तो उलमाए तफसीर ने कहा ऊपर से अजाब क्या है, पत्थर बरसें, नीचे से अजाब क्या है, जलजले आए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते नहीं, ऊपर का अजाब और नीचे का अजाब और है। पूछा क्या, कहा ऊपर का अजाब यह है हुक्मरान जालिम हो, और नीचे का अजाब यह है तुम्हारी औलादे नाफरमान हो। ऊपर और नीचे का अजाब है, तो आज उस अजाब में हम जकड़े हुए हैं और जकड़े रहेंगे जब तक हम सच्ची तौबा नहीं करते, इज्तिमाई तौबा नहीं करते, और वो हम तैयार नहीं है तो करने के लिए, हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। और अल्लाह का निजाम है कि जब कोई अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता, अल्लाह उस कौम की हालत कभी भी नहीं बदलती। जब हम अपने आप को बदलेंगे, अल्लाह रास्ते खोल देता है। कुशादा कहला ना हम सो बोलना, अल्लाह कहता आए सही, मैं एक नहीं कई रास्ते खोलता हूँ। आए तो सही, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। कुछ सच्ची तलब से आए तो उसे दरवाजे खोल देते, लेकिन जब तुम नहीं बदलना चाहते तो तुम्हारे ऊपर ये सजा के तौर पर मुसल्लत होते रहेंगे, और ये होता रहेगा तुम्हारे साथ। खुश फहमी अगर पाल लो तो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये होने वाला कुछ नहीं है। तो आइए मैं और आप अपने आप को बदलें, अपनी जिंदगी को तब्दील करें। आगाज यहां से होगा, और इस जिस्म का आगाज यहां दिल से होगा। वो किसी ने कहा था ना, काबे की अंगल नहीं मुख दीजिए दिलो ना मकाई, यहां से आगाज लें और फिर पूरे बदन को, फिर अपने घर को। ऊ अनफसकुम व अहलीकुम नारा व कूदुहन नास वल हिजारा, अल्लाह ने कुरान में जाब्ता दिया है। कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को बदलो, उसके बाद फरमाया वह अहलीकुम, और फिर अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। वकूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो आगाज यहां से होता है, मेरी जात से होगा, फिर मेरे घर से होगा, फिर वो नूर फैलेगा। लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते, दूसरों को बदलना चाहते हैं। अपोजिशन हुकूमत को बदलना चाहती है, हुकूमत अपोजिशन को बदलना चाहती है। अवाम कहते हैं ऊपर वाले बदल जाएं, वो कहते हैं नीचे वाले बदलें। ये लड़ाई चलती रहेगी, बदलाव कोई भी नहीं होगा। तो मुझे अपने से आगाज करना है, आपको अपने से आगाज करना है, और अपनी जिंदगी हम क्यामत के दिन अपना अपना फर्द अमल लेके अल्लाह के हजूर पेश होंगे। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की खैर फरमाए, ये दुआ कीजिए कि अल्लाह मुल्क को हर तरह से अपनी हिफाजत में रखे। वरना जो ज़ाहरी असबाब हैं वो तो ऐसे ही हैं। वो क्या किसी ने कहा था कि जब मैं कहता हूँ इलाही मेरे अहवाल दे, हुक्म होता है अपना नामा अमाल दे। तो इसलिए हमारा नामा अमाल तो यह है कि पत्थर बरसे आसमान पे, लेकिन फिर भी हुजूर का सदका है कि सुम्मत की शक्लें नहीं तब्दील होती, इसके पत्थर नहीं, इसके इसका इसके ऊपर पत्थर नहीं बरसते। तो अल्लाह हुजूर के सदके हमें माफ फरमाए। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस मजलिस के अंदर हम ये अज़्म करके उठेंगे, जिसकी कीमत इस दौर में बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन हम कीमत दें उसकी। हम अपनी जिंदगी में झूठ को दाखिल ही नहीं होने देंगे। नो एंट्री का बोर्ड लगा दें कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर में झूठ दाखिल नहीं हो सकता। सच बोलेंगे चाहे उसका कोई भी नुकसान उठाना पड़े। तो सच का जाहिर नुकसान तो हो सकता है, लेकिन हकीकत में सच का कोई नुकसान नहीं। सच ही जन्नत का रास्ता है। और मेरे और आपके नबी आका हुजूर नबी रहमत ऐलान नबूवत से कबल काफिरों की जुबान से भी सादिक अमीन कहते हैं, अपने तो अपने थे। तो अल्लाह आपको यहाँ सबको बरकतें दे, और जो हाजिरी का शरफ मौका सादत मिली इसकी बरकत अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी में उतार दे। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।